एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं, जवान हैं माशाल्लाह, मैंने उनकी एक आदत देखी। हम लोग जब भी अमेरिका में कहीं सफ़र पर निकलते प्रोग्रामों के अंदर, तो वो टेक्सास की साइड के अंदर मेरे साथ हुआ करते थे। ऑस्टिन जाना हुआ, डेलस जाना हुआ, और कुछ इलाके में ह्यूस्टन वगैरह के अंदर वो मेरे साथ होते। मैंने उनको देखा, बड़ी अच्छी आदत उनकी लगी। वो मस्जिद में दाखिल होते फौरन दो रकात पढ़ लेते, प्रोग्राम अभी शुरू होने में बाकी है, नमाज का टाइम होने में बाकी, लेकिन दो रकात पढ़ लेते। फिर नमाज हो जाती, प्रोग्राम हो जाता और हम लोग मुसाफे में लगे रहते, तो वो कोने में दो चार रकात और पढ़ लेते। तो मैंने उनकी ये आदत देखी कि जब जब उनको वक्त मिलता गया तो वक्त उन्होंने जाया नहीं किया, दो दो रकात चार चार रकात पढ़ने में ही लग गए वो। तो मुझे खुशी हुई कि उस मुल्क के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जवानी में इबादत का इतना शौक रखते हैं। तो ये बात जहन में रखो, कर लो जितनी नेकियां कर सकते हो, बुढ़ापे में तो फिर नेकी के अलावा कुछ करना नहीं, लेकिन उस वक्त करना चाहेंगे तो आधा जवाब दे चुके होंगे।